फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी ऑनगोइंग लेक्चर सीरीज पाइथन प्रोग्रामिंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच में। और आज के लेक्चर के साथ हम शुरू करने वाले हैं अपना मॉड्यूल 3। और मॉड्यूल 3 में हमें पढ़ना था लूप प्रोग्रामिंग के बारे में, आइटरेटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। आइटरेटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि कोई भी ऐसा स्टेप जिसको हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना हो या रिकॉल करना हो बार बार, ऐसी प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं लूप प्रोग्रामिंग। और हमारे पास दो लूप अवेलेबल हैं पाइथन में, दैट इज फॉर लूप एंड द सेकेंड वन इज व्हाइल लूप। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर लूप की। और फॉर लूप हमारा यूज होता है किसी भी एक सीक्वेंस पे बार बार आइटरेट करने के लिए। एक सीक्वेंस मीन्स के वो सीक्वेंस हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल 1 to 10 हमें जाना है, दैट इज ऑल्सो आइटरेशन ओवर अ सीक्वेंस, दैट कैन बी अ टपल, दैट कैन बी अ स्ट्रिंग। ये डेटा टाइप्स हमने अपने डेटा टाइप्स वाले लेक्चर में कवर किए थे, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है या स्ट्रिंग क्या होता है। इनके अलावा अगर कोई और आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, इफ एनी सच ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, तो हम उस पर भी आइटरेशन कर सकते हैं। किसी भी सीक्वेंस के ऊपर आइटरेट करना, दैट कैन बी नोन एज ट्रेवर्सल, मीन्स वी आर एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट वंस। मीन्स एक हमारी सीक्वेंस है, एक हमारे पास लिस्ट गिवन है, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स की ही लिस्ट हमारे पास गिवन है, एंड वी आर एक्सेसिंग ईच इंटीजर वंस, सो इट इज नोन एज ट्रेवर्सल। सो इसी आइटरेशन वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं फॉर लूप के सिंटेक्स की तरफ। ये सिंटेक्स हमें गिवन है फॉर वी ए एल। वी एल हेयर रेफर्स टू द वैल्यू इन सीक्वेंस, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम सीक्वेंस में रेफर कर रहे हैं। एंड देन वी आर प्रोवाइडिंग बॉडी ऑफ फॉर, मीन्स फॉर लूप के अंदर कितने स्टेटमेंट हम डालें, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ फॉर। इसी को आप रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा इफ एल्स से इन टर्म्स ऑफ इंडेंटेशन। जैसे हमने इफ एल्स में इंडेंटेशन प्रोवाइड की थी, उसी तरीके से सेम हमें यहाँ पर इंडेंटेशन प्रोवाइड करनी है। फॉर लूप जहां हम लिखेंगे उसके बाद हमें उसको एंड करना होगा कोलंस के साथ, और कोलंस के बाद हम देंगे आगे फर्दर बॉडी ऑफ फॉर। यहाँ जो वैल्यू है ये आइटरेशन के लिए यूज होने वाली है, और ये लूप कब तक कंटिन्यू करेगा, जब तक हम सीक्वेंस के एंड में नहीं पहुंच जाते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक स्ट्रिंग को ही आइटरेट कर रहे हैं और स्ट्रिंग है हमारी हेलो, तो हेलो में जब तक हम ओ तक नहीं पहुंच जाते या उस कंडीशन तक नहीं पहुंच जाते जहां तक हमने कंडीशन अप्लाई की है लूप में, तो हमारे उस लूप को हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। फर्दर आई कैन डिस्कस दिस सिंटेक्स विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। और ये फ्लो चार्ट में हमने दिखा रखा है, एक हमारे पास डिसीजन बॉक्स है और एक हमारे पास बॉडी ऑफ फॉर है, जिसमें कि हम कोई भी आउटपुट स्टेटमेंट दे सकते हैं, कोई भी एक प्रोसेस दे सकते हैं, कुछ भी हम दे सकते हैं यहाँ पे। तो इनिशियली कोई कोड हमारा होगा और हम सीक्वेंस में एक आइटम के साथ इनिशियलाइज करेंगे, और डिसीजन बॉक्स में हमने ले रखा है लास्ट आइटम रीच्ड, मींस जब तक हम उस लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम उस टर्मिनेटिंग कंडीशंस तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम बॉडी ऑफ फॉर को एग्जीक्यूट करते रहेंगे। और जैसे ही हमारा वो लास्ट आइटम पहुंच जाएगा, हमारी कंडीशन ट्रू होगी, तो हम एग्जिट कर देंगे लूप को। कंडीशन ट्रू मीन्स लास्ट आइटम रीच्ड, अदरवाइज अगर हम कोई कंडीशन देते हैं लाइक इफ आई इज लेस देन 10, तब तक हम इसको कंटिन्यू करें, तो जब तक हमारी वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। तो दोनों चीजें अलग हैं। अगर एक सीक्वेंस में हम आइटरेट कर रहे हैं, देन वी हैव टू रीच इट्स लास्ट एलिमेंट, एंड इफ वी आर गिविंग एनी कंडीशन हियर, फॉर एग्जाम्पल आई लेस देन 10, आई लेस देन n और एनीथिंग, तो जब तक वो कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती तब तक हमारी बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी। सो इट इज द फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हेयर आई एम हैविंग टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिस्ट। हमारे पास एक लिस्ट गिवन है, मैंने यहाँ पर लिस्ट ली है एल नाम से, एंड एल इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, 50, 5 एलिमेंट्स की ये लिस्ट है। यू कैन टेक अ लॉन्ग लिस्ट, यू कैन टेक अ स्मॉल लिस्ट, और यू कैन इनपुट द लिस्ट एट द रन टाइम एज यू विश।
हेयर मैंने यहाँ पर जो लिस्ट दी है वो एक इनिशियलाइज्ड लिस्ट दी है और एक वेरिएबल मैंने लिया है सम इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये सम इज इक्वल्स टू जीरो वेरिएबल मैंने किस लिए लिया, क्योंकि हमें कोई भी नंबर अगर ऐड करना है तो ऐड करने के लिए इनिशियल वैल्यू जीरो होनी चाहिए, जीरो में हम जो भी ऐड करेंगे वो नया नंबर हमें मिल जाएगा। नाउ आई एम गिविंग यू द आइटरेशन फॉर, फॉर हमारा कीवर्ड है ई एन एल, यहाँ आप मेंबरशिप भी चेक कर रहे हैं कि ई हमारा एल में प्रेजेंट है या नहीं, ये हमने मेंबरशिप ऑपरेटर में आपको बताया था इफ यू आर रिकॉलिंग। फॉर ई इन एल मींस ई जो हमारा है 10 इन एल हम उसको सर्च कर रहे हैं, देन इफ द कंडीशन इज ट्रू मींस इफ द लास्ट एलिमेंट इज नॉट रीच्ड तो हमने क्या किया है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ई, ये हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यहाँ यूज किया है और सम में हमने सम की वैल्यू सम में हमने ई की एलिमेंट की वैल्यू को दैट इज 10 को एड कर दिया, तो जीरो में 10 एड हुआ और 10 ऐड होने के बाद सम में 10 आ गया। अगेन हम लूप पे वापस गए, 20 एलिमेंट हमारा एक्सेस हुआ, 20 भी लिस्ट में है एंड 20 प्लस प्रीवियस वैल्यू वाज 10 तो हमारी वैल्यू हो गई है सम की 30। देन अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वैल्यू, देन इट विल ऐड 30 टू द प्रीवियस एडिशन रिजल्ट प्रीवियस सम, इट विल गिव 60 और उसके बाद हम पहुंचे 40 पर और 40 के बाद हमारे 40 को ऐड किया प्रीवियस सम रिजल्ट में, दैट वाज 60 प्लस 40 नाउ इट विल बी 100। देन 50 पर हम पहुंचे और 50 पर पहुंचने के बाद हमने क्या किया 50 को प्रीवियस सम में ऐड कर दिया, द रिजल्ट शुड बी 150। अब ये ऐड होने के बाद जब हम प्रिंट करवा रहे हैं रिक्वायर्ड सम तो आप यहाँ इंडेंटेशन देख सकते हैं, एक बार क्लियरली हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको इंडेंटेशन के फॉर के अंदर हमने सम स्टेटमेंट लिया है जो कि इंडेंटेड है और जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिया है वो फॉर वाली सीक्वेंस में लिया है। इट मींस कि जब फॉर लूप हमारा कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा रन तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एंड इट विल प्रिंट द रिक्वायर्ड सम इज एज 150। तो आई विल रन द कोड हेयर, रन का मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे इनपुट को एंड वी विल क्लिक ऑन दिस रन, हमारा आउटपुट यहाँ आ गया रिक्वायर्ड सम इज 150। सो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल कि किस तरीके से हमारा ये सम यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, किस तरीके से हमारा फॉर लूप रन हो रहा है। सो ये था आज के लेक्चर में हमारे, इन आर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द range function and some more about for loop.